मोहम्मद गौती ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? अ तराई का प्रथम युद्ध, ब तराई का दूसरा युद्ध, स चंदावर का युद्ध, द कन्नौज का युद्ध। तो इसका उत्तर है स चंदावर का युद्ध। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन से शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? अ फतेहाबाद, बा जौनपुर, सा फतेहपुर, द हिसार। तो इसका उत्तर है स फतेहपुर। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? अ गेहूं की, ब जौ की, सा चना की, द मक्का की। तो आइए देखते हैं, इसका उत्तर है द मक्का की। रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? अ नामदेव, ब रामानुज, सा वल्लभाचार्य, द रामानंद। इसका उत्तर है द रामानंद। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? अ राणा रतन सिंह, ब राजकुमार भोजराज, सा राणा उदय सिंह, द राणा सांगा। इसका उत्तर है ब राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? अ राज्यसभा, ब लोकसभा, स ये दोनों, द इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है अ राज्यसभा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अ लोकसभा स्पीकर, ब राष्ट्रपति, स प्रधानमंत्री, द राज्यसभा का सभापति। इसका उत्तर है अ लोकसभा स्पीकर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? अ रामचंद्र देव, ब प्रताप रुद्रदेव, सा वीर बल्लालाल, द सुंदर पांडे। इसका उत्तर है अ रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी? अ गुरु अमरदास, ब गुरु रामदास, सा गुरु अर्जुन देव, द गुरु हर गोविंद। इसका उत्तर है ब गुरु रामदास। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया? अ बाबर, ब जहांगीर, सा औरंगजेब, द मोहम्मद शाह। इसका उत्तर है ब जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू का प्रयोग निषिद्ध किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? अ गुजरात, ब कर्नाटक, सा केरल, द तमिलनाडु। तो इसका उत्तर है, आइए देखते हैं, सा केरल। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अ पंजाब, ब हरियाणा, स मध्य प्रदेश, द उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर है द उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? अ राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, स लोकसभा स्पीकर, द मंत्रिपरिषद। तो इसका उत्तर है अ राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? अ 25 वर्ष, ब 30 वर्ष, स 35 वर्ष, द 40 वर्ष। तो इसका उत्तर है ब 30 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है?
आ 19 बा 21 सा 40 दा 246। इसका उत्तर है सा 40। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? आ मुंबई बा नई दिल्ली सा कोलकाता दा चेन्नई बा। इसका उत्तर है नई दिल्ली। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? कैरेट। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। 5। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य को। प्रश्न नंबर 6। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। 7। भारत में हीरे की खाने कहाँ हैं? उत्तर पन्ना मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 8। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर भगवत गीता। प्रश्न नंबर 9। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 10। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका उत्तर है वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 52 सेकेंड। कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? इसका उत्तर है 1780 में। प्रश्न नंबर 13। साइमन कमीशन कब भारत आया? इसका उत्तर है 1928। प्रश्न नंबर 14। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 में। प्रश्न नंबर 15। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 16। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942। प्रश्न नंबर 17। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 18। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 19। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? इसका उत्तर है सतलज। प्रश्न नंबर 20। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न नंबर 21। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? इसका उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न नंबर 22। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है नील नदी। प्रश्न नंबर 23। नंबर 23। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 24। धामी गोली कांड कब हुआ? इसका उत्तर है 16 जुलाई 1939 में। प्रश्न नंबर 25। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 में। प्रश्न नंबर 26। भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? उत्तर उच्चतम न्यायालय। प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? इसका उत्तर है 1990 में। प्रश्न नंबर 28। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? इसका उत्तर है पारसनाथ। प्रश्न नंबर 29। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? इसका उत्तर है झारखंड। प्रश्न नंबर 30। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर है अल्बानिया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 30। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका उत्तर है सूर्य। प्रश्न नंबर 33। ऐसा कौन सा देश है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है? चीन। कारक के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है 8। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? इसका उत्तर है प्रकाश वर्ष। ड्राई आइस क्या होता है? इसका उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाना पकाने वाली LPG गैस किसका मिश्रण है? इसका उत्तर है प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। इस सेल को स्टैंडर्ड
सेल कहते हैं। इसका उत्तर है कैडमियम सेल। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वार आता है? इसका उत्तर है एंडीज। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न नंबर 42, नील क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। प्रश्न नंबर 43, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। प्रश्न नंबर 44, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है केरल। प्रश्न नंबर 45, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है राजस्थान। नंबर 46, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? इसका उत्तर है हीलियम। प्रश्न नंबर 47, प्राथमिक रंग कौन से हैं? इसका उत्तर है लाल, हरा, नीला। प्रश्न नंबर 48, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है बैटरी। प्रश्न नंबर 49, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? इसका उत्तर है पेनिसिलिन। सूर्य एक तारा है, डिका मैगस्थनीज की रचना है। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में दांडी मार्च किया गया। बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत हो तो यह किस चीज़ का संकेत है? उत्तर तूफान का। प्रश्न नंबर 54, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 55, गौतम बुद्ध को बोधगया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? उत्तर पीपल। प्रश्न नंबर 56, गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न नंबर 57, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? उत्तर खड़गपुर। प्रश्न नंबर 58, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 61, नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? इसका उत्तर है मिस्र। प्रश्न नंबर 60, राजा सांसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अमृतसर। प्रश्न नंबर 61, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्न नंबर 62, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका उत्तर है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है 12 मई 2020।